दोस्तों इजराइल विश्व का एक छोटा सा देश है, लेकिन आज के समय में इजराइल दुनिया के शक्तिशाली देशों में से एक माना जाता है। टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, एग्रीकल्चर साइंस, सभी क्षेत्रों में इजराइल आगे है। दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब इजराइल का कोई नामोनिशान नहीं था, सारे यहूदी पूरे विश्व में इधर उधर बिखरे हुए थे। लेकिन आज इजराइल एक समृद्धि और शक्तिशाली देश के रूप में हमारे सामने है। अब लोगों के अनुसार इजराइल इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और उनके जैसे कई पावरफुल कंट्रीज इजराइल के सपोर्ट में उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा जो सच्चा और जीवित है वो हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर समय समय पर भविष्यवक्ताओं के द्वारा इजराइलियों के पास अपना संदेश भेजते थे ताकि वे भटके ना और पवित्रता के साथ धार्मिक जीवन बिताएं। हम जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने मूसा को 10 आज्ञाएं प्रदान करी थी जिससे कि इजराइल के सारे लोग इन्हीं आज्ञाओं का पालन करते हुए परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बने रहे और वे लोग इन आज्ञाओं का पालन भी करते थे। मतलब एक तरफ से कहें तो पहले इजराइलियों के लिए परमेश्वर की ओर से दी गई मूसा की व्यवस्था ही उनका आईन और संविधान था। लेकिन आगे चलकर बाद में कई इजरायली परमेश्वर की इन आज्ञाओं से विमुख होकर अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने लगे। इस पर उनके बुरे कर्मों के लिए परमेश्वर भले ही उन्हें विभिन्न प्रकार के दंड दिए लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। और जैसा कि परमेश्वर ने इजरायल से प्रतिज्ञा की थी कि वो विश्व भर में बिखरे हुए सभी यहूदियों को उनके देश में फिर से वापस लाएगा, उन्हें एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित करेगा और उनके बंजर भूमियों को हरा भरा कर देगा, आज उसी प्रकार हम इजराइल को एक उन्नत देश के रूप में देखते हैं। तो इजराइल के तरक्की का कारण परमेश्वर यहोवा और उसके वचन बाइबल ही है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि देश की प्रगति में बाधा और विफलता का कारण बाइबल और उसका परमेश्वर है तो आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल इसी प्रकार की बातें कहकर अफ्रीका के एक व्यक्ति लोगों के सामने बाइबल को फाड़ कर जला रहा है। I am burning this Bible. Je brûle cette Bible. God, Bible is a scam, a naka. Parce que la Bible est un naka. The Bible is a scam. La Bible est un naka. It's because of the Bible. C'est à cause de la Bible. That is why Africa. C'est pourquoi l'Afrique. We are suffering. Nous souffrons. Africa have to be free. L'Afrique doit être libre. Yes. Africa have to be free. L'Afrique doit être libre. Yes. Africa have to be free. L'Afrique doit être libre. Africa have to be free. L'Afrique doit être libre. Bible is a scam. La Bible est un scanner. Bible is a scam. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. And we have to be free. On doit être libre. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. We have to be free. On doit être libre. We have to be free. On doit être libre. We are Africa. L'Afrique. Have to be free. On doit être libre. Yes. Africa. Yes. L'Afrique. Have to be free. On doit être libre. Africa. L'Afrique. Have to be free. Yes. I'm burning this your stupid Bible. तो यहाँ पर आपने देखा एक व्यक्ति कुछ लोगों को इकट्ठा करके चिल्लाते हुए बार बार ये कह रहा है कि मैं बाइबल को जला रहा हूँ क्योंकि बाइबल में गड़बड़ी है, ये एक घोटाले का पुस्तक है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, ये किसी के जीवन को नहीं बदल सकता और ना ही किसी का भला कर सकता है और इसी बाइबल के वजह से ही अफ्रीका आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए हमें और पूरे अफ्रीका को बाइबल से आजाद होना होगा, स्वतंत्र होना होगा। मतलब उसका कहना है कि पूरे अफ्रीका में बाइबल को बैन कर देना चाहिए और जिस किसी के घर में बाइबल है तो वो उसे फेंक दे या जला दे, चाहे जैसे भी करे, लेकिन पूरी तरह से बाइबल का नामोनिशान मिटा देना चाहिए। अब दोस्तों बाइबल को जलाने से या कुछ भी करने से परमेश्वर का वचन तो कभी खत्म नहीं होता और ना ही मिटता है, लेकिन इस प्रकार की हरकत करने वाले व्यक्ति अवश्य मिट जाते हैं। दोस्तों करीब 303 AD में रोमन एम्परर डायोक्लेशियन ने क्रिश्चियनों और उनकी बाइबल को पूरी तरह से जलाकर नष्ट करना चाहा, लेकिन वो खुद ही मिट गया पर बाइबल की वजूद को नहीं मिटा सका। परमेश्वर का वचन बाइबल आज हमारे पास है और हम उसे पढ़ते हैं। देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती 24:35, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। और ये व्यक्ति कहता है कि बाइबल झूठी है, बेकार की पुस्तक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। यशाया 40:8 में भी वचन इस प्रकार कहता है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। और दोस्तों ये व्यक्ति ये भी दावा करते हुए कहता है कि मैं एक भविष्यवक्ता हूँ जो परमेश्वर की ओर से तुम्हें परमेश्वर की बातों को बताने के लिए आया हूँ। Because I am the lion. Parce que je suis le lion. Why not catch that? Qui vous a dit? Mais je suis fou. Moi je suis un pasteur. When who told you? Qui vous a dit? That I'm a prophet. Que je suis un prophète. I said. J'ai dit. Your Bible is a scam. Votre Bible.
फिर ये आदमी ये भी बोलने लगता है कि परमेश्वर ने ही मुझे भेजा है ताकि आगे आने वाले दिनों में मैं तुम्हारी गाइड कर सकूं। God sent me. Dieu m'a envoyé. To come and speak the truth. Pour venir parler la vérité. Yes. That's what I'm doing. Et c'est ce que je suis en train de faire. I want to tell everybody. दोस्तों इसकी हरकतों को देखकर तो यही लगता है कि ये व्यक्ति पूरी तरह से शैतान के द्वारा पोजेस्ट है, क्योंकि शैतान ही तो है जो नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन जो बाइबल है वो संसार के हर एक मनुष्य तक पहुंचे और उनका उद्धार हो। शैतान चाहता है कि लोग अंधेरे में गुमराही के साथ जीते रहें और न्याय के दिन अपने साथ उन्हें भी कभी न बुझने वाली नर्क की आग की झील में डाल दिया जाए। देखिए, हम जानते हैं कि परमेश्वर जिसे भी अपना दास या सेवक के रूप में चुनता है वो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के वचनों के साथ साथ चलता है और इस सुंदर सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाता है जिससे कि बहुतों का उद्धार हो सके। सो मेरे प्रियो, आप बाइबल पढ़ते रहें और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें जिससे कि आप ताकि आप झूठे व्यक्तियों से सावधान रह सकें। आमीन।